टूडेज टॉपिक हेयर इट इज द टॉपिक ऑफ टूडे इज दीज एंड दोज दीज एंड दोज टी एच ई एस ई दीज एंड टी एच ओ एस ई दोज दीज एंड दोज दीज मीन्स ये और दोज मीन्स वो जो आपका ये वर्ड है दीज दीज आर यूज विद प्लूरल नाउन्स विद विच आर नियर टू अस जो ये दीज वर्ड है ये हम प्लूरल नाउन्स के साथ यूज करते हैं डू यू नो वॉट इज अ नाउन नाउन मालूम है ना आपको पढ़ाया गया है ना नाउन वॉट इज अ नाउन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग एंड एनिमल्स नेम ऑल्सो वॉट इज अ नाउन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स एंड एनिमल्स नेम तो जितने भी एनिमल्स के नेम हैं थिंग्स है पर्सन है प्लेस है अगर वो क्या है प्लूरल में है वो वर्ड प्लूरल में है तो उसके साथ हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे दीज टी एच ई एस ई दीज और वन मोर थिंग वो हमारे पास होनी चाहिए जो हमारे पास बहुत सारी चीज होती हैं जो हमारे पास हो मतलब नज़दीक हो हमारे उसको हम क्या कहते हैं दीज फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बनाती हूं फ्लावर्स ये क्या है ये फ्लावर है ना ओनली वन फ्लावर है ना तो एक फूल है ना ये सिर्फ तो हम तो इसे कहेंगे दिस इज इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे दिस दिस इज ए फ्लावर एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर दिस इज ए फ्लावर और ये हमारे पास भी है जो हमारी कॉपी होती है ना उसमें हम इस साइड में जो चीज़ें पास होती हैं नियर होती हैं उनको हम इस तरफ शो करते हैं और जो दूर होती है उन्हें हम इस साइड शो करते हैं किस साइड इस साइड और जो पास होती हैं उन्हें इस साइड और जो दूर होती है उन्हें इस साइड शो करते हैं ठीक है तो ये पास है हमारे दिस और ये सिंगुलर है एक ही फूल है ना ओनली वन फ्लावर इज हेयर ना ओनली वन फ्लावर इज हेयर सो वी विल यूज दिस दिस इज अ फ्लावर नाउ आपको मैंने समझाना है दीज तो अब मैं क्या करूँगी माई डियर स्टूडेंट आई विल ड्रॉ हेयर मोर देन वन फ्लावर हाउ मैनी फ्लावर मोर देन वन फ्लावर नाउ टेल मी हाउ मैनी फ्लावर्स आर दीज वन टू थ्री अब ये तीन हो गए अभी एक था ना ओनली वन था ना तो आई यूज हेयर दिस दिस इज अ फ्लावर अब ये क्या है हाउ मैनी आर दीज तो ये कितने हैं बेटा थ्री वन टू एंड थ्री थ्री फ्लावर्स फ्लावर्स आर हेयर तो और ये हमारे पास भी है इस साइड हमने पास वाली जो नज़दीक होती है चीज़ उसके लिए यूज करते हैं ना तो आई विल यूज हेयर दीज टी एच ई एस ई दीज अब इज नहीं आएगा इज होता है सिंगुलर के लिए ये दीज के साथ हमेशा वी यूज आर दीज आर अब यहाँ तो हमने ए फ्लावर लिखा था ना एक फूल अब ये ए भी रिमूव हो जाएगा क्योंकि तो एक नहीं है बिकॉज दीज आर थ्री तो दीज आर फ्लावर्स प्लूरल फॉर्म फ्लावर का क्या होता है फ्लावर्स दीज आर फ्लावर्स अंडरस्टैंड एक और सिखाऊं Now tell me, what is this? This is a box. अब ये एक ही box है ना तो हम इसको फिर से कहेंगे this. और this के साथ हम क्या use करते हैं इच a box. ये हमारे इस side है यानी कि हमारे ये नज़दीक रखा हुआ है near. It is near. So we will write here, this is a box. ओके सिंगुलर है इसलिए हमने दिस इज ए यूज किया है अब मैं यहाँ पर बहुत ढेर सारे बॉक्सेस बना देती हूँ है ना अब तो ये एक नहीं है ये हो गए ये हमारा हो गया वन बॉक्स इसके साथ में एक और बॉक्स बना रही हूँ आई एम ड्राइंग वन मोर बॉक्स फॉर यू हियर इट इज टू बॉक्स थ्री बॉक्स
एक और बनाते हैं, ओके वन मोर। नाउ काउंट हाउ मेनी आर दिस, 1 2 3 4, फोर हो गए ना। तो अब हम यहाँ क्या यूज करेंगे फोर के लिए, फोर इज अवर प्लूरल, हियर इज वन बॉक्स, बॉक्स इज सिंगुलर एंड दीज आर बॉक्सेस, दिस इज अवर बॉक्स एंड दीज आर अवर बॉक्सेस। तो अब हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, दीज, टी एच ई एस ई, दीज आर, हमें ईज नहीं लिखना है, दीज ईज नहीं लिखना है, क्या लिखना, दीज आर। आई टोल्ड यू ना इन दिस एग्जाम्पल दीज आर, सेम हियर दीज आर। अब ए भी नहीं लिखेंगे क्योंकि तो एक नहीं है, ए मीन्स एक, ये तो फोर है, तो दीज आर बॉक्सेज, बॉक्सेज वर्ड इज द प्लूरल ऑफ बॉक्स, अंडरस्टैंड, दीज आर बॉक्सेस। वन के लिए दिस, दिस इज द फ्लावर एंड दिस इज दीज, दीज आर फ्लावर्स, बहुत सारे हो गए ना। नाउ अगेन हियर, हियर इज ओनली वन बॉक्स, यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स है, सो आई रिटर्न हियर दिस इज अ बॉक्स, है ना। और सेकेंड पिक्चर में 1 2 3 4, हियर आर फोर, सो आई रिटर्न हियर दीज आर बॉक्सेज। ये हमारे पास की चीजें जो हमारे पास होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, दीज। नाउ माई डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, आई विल शो यू सम थिंग्स टू एक्सप्लेन दिस लेसन दीज। हेयर यू कैन सी, देखो पहले हम एक देखेंगे, ओनली वन, वॉट इज दिस, दिस इज अ पेन, एक है ना, तो हम बोलेंगे दिस इज अ पेन। नाउ 2 3 4, हाउ मैनी, 1 2 3 4, ये मेरे पास रखे हो ना, मैं यहीं बैठी हूँ ना, तो ये मेरे पास रखे हुए, तो मैं इन्हें क्या बोलूँगी, दीज आर पेन्स। पहले जब ये अकेला था तो पेन था, और दिस था, दिस इज अ पेन, अब ये आ गए 4 4, तो अब हम इन्हें क्या बोलेंगे, दीज आर पेन्स, अंडरस्टैंड। नाउ हियर वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू, अब आप देखो ये छोटी सी प्लेट है ना, अब इस प्लेट में मैंने एक रख दी है बॉल, वॉट इज दिस, दिस इज अ बॉल, इसे हमें बोलना है दिस इज अ बॉल बिकॉज इट इज ओनली वन। अब देखो हमने और डाल दी 2 3 4 5 6, हाउ मैनी बॉल्स आर दीज, 6। अब हम इन्हें बोलेंगे दीज आर 6 बॉल्स, प्लूरल हो गए ना ये, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, दीज आर 6 बॉल्स, समझ गए, जो प्लूरल वर्ड होता है उसके साथ हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, दीज, और वो हमारे नज़दीक होना चाहिए, यानी कि बहुत दूर है और आप बोल रहे हो दीज, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा, पास होनी चाहिए और बहुत सारे होने चाहिए। और ये हमारा क्या है, बॉल क्या है, बॉल इज अ नाउन वर्ड, बॉल भी नाउन है, ये पेन भी नाउन है, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो सो वी विल कॉल इट दीज आर बॉल्स एंड दीज आर पेन्स। और दिखाऊं, चलो और एग्जांपल देते हैं, 1 2, व्हाट आर दीज, क्या है ये, स्पून, स्पून है ना, प्लास्टिक स्पून, तो और ये मेरे पास है, मेरे नज़दीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पास ही रखे हुए, मैंने टच भी कर रही हूँ, मेरे नज़दीक है ना, तो मैंने देखो कैसे टच कर रही हूँ, कर रही हूँ ना टच, तो हम इन्हें बोलेंगे दीज आर स्पून्स, वॉट आर दीज, दीज आर स्पून्स, अंडरस्टैंड। अब ये स्पून का भी हो गया, अच्छा एक बहुत सारी चीज़, जैसे आपके पापा के पास एक घड़ी होगी है ना, मम्मी के पास होगी एक, और एक दीदी के पास भी होगी, क्या है ये, ये है वॉच, व्हाट इज दिस, ये है वॉच, अब इसको मैं हटा रही हूँ, आपको मैं सिर्फ वॉच दिखा रही हूँ, व्हाट इज दिस वॉच, इट इज ओनली वन ना, और ये मेरे पास रखी हुई, तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज अ वॉच, बट टुडेज टॉपिक इज दीज, अब इसको दीज का बोलूँगी मैं, जब वन
2 and 3. Now these are watches. अभी तो ये watch है ना, अब ये 3 हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, watches. These are watches. ये घड़ियां हैं और मेरे पास हैं, तो हमें क्या यूज करना है, दीज आर वॉचेज. अंडरस्टैंड? ओके, मैं आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ये दीज का यूज सीख गए होंगे. नाउ दोज, हेयर इज दोज. दोज आर यूज्ड विद प्लूरल नाउंस. अगेन ये दोज को भी हम प्लूरल नाउंस के साथ ही यूज करते हैं. विच आर फार, फार मीन्स दूर, फार फ्रॉम, फार फ्रॉम अस, जो हमसे दूर होते हैं और बहुत सारे होते हैं. दोज आर यूज्ड विद प्लूरल नाउंस. नाउंस अभी आपको मैंने बताया था ना, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग एंड एनिमल्स नेम. तो उन्हीं नाउंस के साथ वी हैव टू यूज दोज. पर दोज हम कैसे यूज करेंगे, जो हमसे दूर होंगे. अभी मैंने आपको बताया कि बुक में हम इस साइड शो करते हैं जो चीज़ें पास होती हैं, और हम अपनी नोटबुक में जो चीज़ें दूर होती हैं उन्हें कहाँ शो करते हैं, इस साइड. अच्छा वो बताओ, ये व्हाट इज दिस, ये क्या हो गए, स्टार्स ना. अब मैं इसको सिर्फ एक ही रहने देती हूँ ओनली. ये दूर होता है ना स्टार हमसे, और ये दूर है. फॉर एग्जाम्पल सन, सन भी एक स्टार है ना, सन इज ऑल्सो स्टार. तो हम इसे, ये दूर है हमसे, हम क्या बोलेंगे, वॉट वी हैव टू से, दैट इज अ स्टार, दैट इज अ स्टार. ओके, दैट मीन्स वह एक स्टार है. तो ये हमसे दूर है इसलिए हमने क्या लिखा, दैट इज अ स्टार. अगर मैं ये बहुत सारे स्टार्स बना देती हूँ, 1, 2 मोर देन 1, मतलब एक से ज़्यादा, हाउ मैनी स्टार्स आर दीज, 1, 2, 3. तो अभी ये हमसे दूर है ना, अगर ये इस साइड हमने बनाए होते हैं नोटबुक में, तो हम दीज आपको सिखाती, बट ये हमसे दूर है तो वी हैव टू यूज दोज वर्ड. दोज आर स्टार्स. अंडरस्टैंड? दोज आर स्टार, जो नाउन जो होते हैं, जो हमसे दूर होते हैं और बहुत सारे होते हैं, तो उसके लिए वी यूज दोज आर स्टार्स. अंडरस्टैंड? नाउ वन मोर पिक्चर एग्जाम्पल. वॉट इज दिस, क्या है ये, किसकी पिक्चर बनाई मैंने, ट्री है ना, तो ये हमसे दूर है ये ट्री. ओके, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज अ ट्री, फुल स्टॉप. अंडरस्टैंड? दैट इज अ ट्री, ये ओनली वन है, सो वी कॉल इट दैट, दैट इज अ ट्री. और दूर भी है, वन है, कितना है, ओनली वन, और बहुत दूर है, तो इसलिए दैट. नाउ इन नेक्स्ट पिक्चर, कितने हो गए, हाउ मैनी, 1, 2, 3. अब हमसे बहुत दूर है, 3 ट्रीज, कितने ट्रीज, 3 ट्रीज. अभी प्लूरल हो गए ना, इट वॉज सिंगुलर, सो आई यूज हियर दैट, इट इज फार फ्रॉम अस, सो वी यूज हियर दैट. नाउ हाउ मैनी, 1, 2, 3. अब ये 3 हो गए ट्री, तो हमें, और दूर भी है हमसे, तो वी हैव टू यूज दोज, THOSE, those are trees. Understand? जो नाउन होते हैं और बहुत दूर होते हैं हमसे, बहुत सारे होते हैं, उसे हम बोलते हैं those are. Okay? Those are trees. अब ये दूर था, only one था, so we call it that. और जो हमारे पास होती हैं बहुत सारी चीज़ें, वो these are. और जो दूर होती हैं बहुत सारी चीज़ें, वो दोज़ार होती है. ठीक है,
नाउ अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताती हूँ कि यूज ऑफ दोज. नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज अ बेड ना, और वहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, कुशंस. हाउ मैनी कुशंस आर देयर, थ्री, 1, 2, 3. और दूर है ना मुझसे, अब मैं उसको टच नहीं कर सकती हूँ, वो बहुत दूर है मुझसे. मैं टच कर सकती हूँ? नहीं ना, मैं टच नहीं कर सकती, मेरा हाथ तो बस यहीं तक जा रहा है, वो तो उधर दूर है. तो हम बोलेंगे दोज आर कुशंस. क्या बोलेंगे हम? दोज आर कुशंस. अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड बताओ, वहाँ टेबल पे क्या रखा है? टेबल दिख रहा है आपको? टेबल में कुछ दिख रहा है? यस, देयर वो है 1, 2, 3. थ्री गिलासेस है बेटा. कितने गिलासेस है? थ्री, प्लूरल है ना. तो अब हमसे और दूर भी है हमसे, तो हम क्या बोलेंगे? दोज आर ग्लासेस. क्या बोलेंगे? दोज आर ग्लासेस. अच्छा ओके, उसके पीछे देखो एक सोफे में क्या रखे हुए हैं, फ्लावर्स रखे हैं ना. अब दिखा आपको? तो वो मेरे से दूर है, मैं उसको टच कर पाऊंगी? नहीं ना, मैं टच नहीं कर सकती. ये ग्लास है, इनको भी मैं टच नहीं कर सकती, मेरा हाथ तो यहीं तक जाएगा. तो दोज आर ग्लासेस, और वो फ्लावर्स भी दूर रखे हैं हमसे, मुझसे. तो मैं उन्हें क्या बोलूँगी? दोज आर फ्लावर्स. दोज आर फ्लावर्स. तो इस तरह से जो चीज़ें बहुत सारी होती हैं और दूर होती हैं हमसे, तो हम उसे कहते हैं दोज. अच्छा आपको ये दिख रहा है? ये दीवार के पास देखो, ये पॉट्स रखे हुए हैं ना. तो ये पॉट्स भी कैसे मुझसे दूर है, मैं इनको टच नहीं कर सकती, दूर है. सिर्फ ऐसे उंगली से दिखा सकती हूँ. दोज आर प्लांट्स या फिर फ्लावर पॉट या प्लांट्स पॉट्स. पॉट्स है ना वो, उसमें प्लांट्स लगे हुए. तो दोज आर प्लांट्स, दूर है ना मुझसे. और कितने हैं? 1, 2, 3, 4. हाउ मैनी आर? 4 है वो, 4. तो दोज आर प्लांट्स. आया समझ में? नाउ अब ये देखो कॉर्नर में क्या रखा है, शोकेस में ट्रॉफीज है. कितनी है देखो, ऊपर 1, then 1 more, 2, then 2, 1, 2, 3, 4. हाउ मैनी ट्रॉफीज आर देयर? वहाँ पर कितनी ट्रॉफीज रखी है? 4 ट्रॉफीज. तो वो मेरे पास है क्या? नहीं ना, मुझसे दूर है. तो मैं क्या बोलूँगी? दोज आर ट्रॉफीज. क्या बोलूँगी? दोज आर ट्रॉफीज. जो नाउन ट्रॉफी क्या है? नाउन वर्ड है. तो जो भी वर्ड जो प्लूरल्स में हो और हमसे दूर होता है, अभी जैसे दूर है ना ट्रॉफीज, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दोज आर ट्रॉफीज. और ये दोज आर ग्लासेस, दोज आर फ्लावर्स, एंड दोज आर प्लांट्स या पॉट्स. अंडरस्टैंड? अब आपको मैंने इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यूज ऑफ दोज एंड दीज. अब ये वॉच मेरे पास है, ये 3 की 3 है ना, रिपीट करती हूँ मैं आपके लिए. तो दीज आर, ये पास देखो मैं टच कर रही हूँ ना, तो दीज आर वॉचेस. अब ये पेन है, ये भी मेरे हाथ में, मेरे पास है. दीज आर पेन्स. और ये 2 स्पून्स है, ये भी मेरे पास हैं. तो मैं क्या बोलूँगी इन्हें? दीज आर स्पून्स. और ये आपकी फेवरेट चीज़ है, बॉल्स. दीज आर बॉल्स. अंडरस्टैंड? वी यूज दीज फॉर प्लूरल नाउन्स एंड थिंग्स विच आर नियर अस, जो हमारे पास होती है. एंड दोज फॉर थिंग्स विच आर फार फ्रॉम अस, जो हमसे दूर होती हैं और प्लूरल भी होते हैं नाउन. आगे समझ में?
Okay, my dear student, thank you for watching the video and I hope कि आपको समझ में आ गया होगा what is a use of these and those. आपको these और those के बारे में अब पता चल गया होगा. I gave you so many examples. मैंने पिक्चर भी ड्रॉ करी और आपको लाइव भी बहुत सारे दिखाया. तो आ गया ना समझ में? बोलो यस. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. एंड आज जो मैंने आपको COVID-19 के लिए बताए, कुछ चीज़ें बताई ना आपको बातें, उनको फॉलो करना बेटा. अपना हैंड बार बार सोप से वॉश करना, मास्क यूज़ करना और किसी से भी बातें करते समय दूर से बातें करना, पास से बातें नहीं करनी है. ओके, थैंक यू, बाय बाय. स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट दीज डेज वी आर डूइंग दिस दैट एंड दीज दोज. दीज डेज आर टॉपिक इज गोइंग ऑन दिस दैट एंड दीज दोज. आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है दिस दैट एंड दीज दोज. अर्लियर वी डिड दीज दैट एंड दीज दोज सेपरेटली, ठीक है? इससे पहले हमने दिस दैट और दीज दोज को अलग अलग से किया. आज हम इनको कंबाइंड करके करेंगे, ठीक है? मतलब दिस दैट दीज दोज, इन चारों को मिलाकर हमने आज वर्कशीट बनाई है और आपको बस कुछ रूल्स को फॉलो करना है और जिन रूल्स को फॉलो करके आपको दिस दैट और दीज दोज को करने में इजी होगा, ठीक है? सो लेट्स सी what is the rules for students. when we talk about singular things, ठीक है? जब हम singular things के बारे में, nouns के बारे में बात करेंगे, like person, place, animal, things, जब singular means single, only one, जब हम singular things की बात करेंगे, the things that are near, singular things that are near to us, ठीक है? सिंगुलर मीन्स एक अकेली चीज जो हमारे पास है. दैट टाइम वी विल यूज दिस एंड दिस के साथ हमेशा यूज होगा इज. दिस इज, ओके? एंड सिंगुलर थिंग दैट आर फार फ्रॉम अस. फार मीन्स दूर. फार के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं? दिस वन, है ना? दैट इज फार फ्रॉम अस. सो singular thing that is near to us, we will use this is. And singular thing that is far from us, we will use that is. That is. This or that के साथ हमेशा is का use होता है. Okay students? And singular thing near, पास में है जो, उनके लिए this is. And far, जो दूर है उनके लिए that is use होगा. Okay students? Now plural things. Plural means जो वन से, जो थिंग्स, पर्सन्स, एनिमल्स और प्लेसेस जो एक से ज्यादा हैं, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? द थिंग्स दैट आर नियर टू अस. द प्लूरल थिंग्स दैट आर नियर टू अस, ठीक है? ऐसी ज्यादा चीजें जो हमारे पास हैं, वी विल यूज दीज फॉर दीज. दीज आर, दीज के साथ हमेशा आर का यूज होगा. ओके, plural things, plural nouns that are near to us, us, we use these are. Okay, plural noun ke saath jo hum, plural noun like person, place, animal, things, aur jo hamare paas hain, near means hamare paas hain, unke saath humne these are ka use kiya. Okay, the plural noun that are far from us. प्लूरल नाउन मीन्स जो ज्यादा चीजें हैं लेकिन हमसे दूर हैं. फार मीन्स हमसे दूर हैं. फॉर दैट वी विल यूज दोज, ठीक है? ऐसी चीजों के लिए हम दोज आर का यूज करेंगे. सो आई होप कि अब आपको दिस और दैट एंड दीज और दोज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर थिंग्स के साथ, ठीक है, हम दिस और दैट का यूज करते हैं. सिंगुलर थिंग्स दैट नियर टू अस, जो हमारे पास हैं, तो हम दिस इज यूज करेंगे. सिंगुलर थिंग जो हमसे दूर है, फार अवे,
तो हम दैट इज का यूज करेंगे. ओके एंड द प्लूरल थिंग्स दैट आर नियर टू अस, प्लूरल थिंग जो हमारे पास हैं, उनके लिए दीज आर का यूज होगा. एंड द प्लूरल थिंग दैट आर फार फ्रॉम अस, जो हमसे दूर हैं, उनके लिए दोज आर का यूज होगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब दिस और दैट, दिस दैट दीज दोज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस दिस दैट एंड दीज दोज. सो स्टूडेंट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाई आई एम यूजिंग दैट, बिकॉज इट इज फार फ्रॉम हेयर, बिकॉज इट इज फार फ्रॉम हेयर, ये यहां से दूर है. ओके सो व्हाट इज दैट, आंसर मी, Yes, that is a kite. So we will write that and always use that is with that. That is a kite. That is a kite. Next is what? Now these are plural. Plural means one से ज्यादा है. And near to us. ये हमारे पास है और एक से ज्यादा है. Means plural है. So what we will use for near, plural things that are near to us, what we will use? Good. These are flowers. 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 These are flowers. Now look at this sign. It means, it shows that something is far from us. ये साइन क्या बता रहा है कि कोई चीज हमसे दूर है, तो हम इसके लिए साइन का, इस साइन का यूज कर रहे हैं. वो हमें बता रहा है कि कुछ चीजें दूर हैं. तो what are those, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, आप बताइए. यस गुड, those आर बैलून्स, those are balloons, those are balloons, because we use those because they are far from here, we use these because these are near to us and the balloons are far from us. Okay, now what is this question is what is this. Students aapko क्वेश्चन में ही पता चल जाता है कि आपको दिस यूज करना है और दैट यूज करना है या दीज या दोज क्या यूज करना है. सो व्हाट इज दिस, टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाई आई एम यूजिंग दिस, बिकॉज दिस इज नियर टू मी. सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ बॉटल, दिस इज अ बॉटल, दिस इज अ bottle. Now look at this sign. What this sign shows? That something is far from us. This sign shows that something is far from us. ये sign हमें बताता है कि कुछ हमसे दूर है. So what is that? Yes, good. That is a moon. That is a moon. Students, you watch at night that moon is far from us. आप रात में देखते होंगे कि जो moon है वो हमसे बहुत दूर है. हम उसे क्या नहीं कर सकते हैं, touch नहीं कर सकते, only we can see the moon. ठीक है, हम सिर्फ moon को देख सकते हैं. तो I hope students के आपको singular plural में this और that का use किस तरह से करना है वो आपको अब क्लियर हो गया होगा. अब इस दिस एंड दैट और दीज और दोस के बेस पे ही मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज दी हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन दैट एक्सरसाइजेस एंड हाउ यू विल डू दैट एक्सरसाइजेस. ओके सो लेट्स सी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर वर्कशीट. इन दिस वर्कशीट व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क, First, you will write the date. Date is Thursday, 29th October 2020. And the first question is, fill in the blanks using this, that, or these, those.
आपको दिस दैट और दीज दोज का यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. सो लेट्स सी, लुक एट द पिक्चर. व्हाट इज दिस? आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? सो व्हाट यू विल गिव, हाउ यू विल गिव मी आंसर? दिस इज नियर टू मी, आई कैन इजिली टच इट. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ वॉल. यू विल राइट हियर दिस. नाउ व्हाट इज, व्हाट आर दोज? What are those? Why I am using those? Because these are plural, not single. ये single नहीं है, मतलब only one नहीं है, ये one से ज्यादा है. These are plurals. So what are those? And I am using those because they are far from us. Use those क्यों use कर रही हूँ? Because वो मुझसे दूर है. तो हम लिखेंगे those are balls. Those are balls far from me. Okay, now what are those? These are plural and far from me. So I am using those. So those are trees. Those are trees. And what is this? I am using this because it is near to me. So what is this? Tell me. Good. This is a tree. Good. What is that? I am using that because it is singular. And singular and far from me. I am using that because this thing is singular and far from me. ठीक है, ये मुझसे दूर है और single है, only one. So I am using, what we will use? Yes, good. That is a cat. That is a cat. Now, what is these? What are these? Tell me. Yes, these are cups. We will use these because these are near to us. ये हमारे पास है, इसलिए हमने these का use किया. And we will write these are cups. Now, what are those? Those are far from me and plurals. These things are plural and far from here. So that's why I am using. क्या यूज करना है हमने इनके लिए? यस, गुड. दोज, THOSE. Those are cars. Now, what are these? -are and apples. तो यहाँ पर क्या आएगा? It is near to me. These are near to me. So what we will use? These. THESE. These are an apple. Next is, what is that? तो यहाँ पर देखिए, ये मुझसे दूर है और singular है. तो I am using, क्या use करेंगे हम? That. और क्या है ये? Good. Cloud. That is a cloud. Now, what are these? Near to me and plural. We will use? Good. These.
are crepes. These are crepes. Okay? So students, अब आपने देखा कि हमने singular things के साथ the things that are near to that are singular and near to us, we use this, and the things that are far from us and the plural things that are far from us, we use those, and the thing plural thing that are near to us, we use these. Okay, I hope now you will be understand how will we use this and that and these and those. Now I am giving you some question regarding this, that, these, those. Answer the following questions. First question is, what is this? What is this? Answer will be, tell me, what is this? Yes, fish. So how will we write? This is क्या है ये? A fish. Good. This is a fish. Answer will be, this is a fish. Now, what are these? Why I am using these? Because these are near to me and plural. Because these are plural things and near to us. These are plural things and near to us. ये जो है ज्यादा चीजें हैं और हमारे पास हैं. That's why we are using these. So these are, yes, tell me what are these? Good. These are pencils. These are pencils. Okay. Now what are those? Look at this sign. What this sign means? It means something is far from us. This sign means something is far from us. Means कुछ हमसे दूर है. We are showing the thing that are far from us. हम इस sign से वो चीज दिखा रहे हैं जो हमसे दूर है. So what are those? दूर के लिए हमने क्या use किया? दूर. Those. What we use for far? Those. So those are, answer will be, those are stars. Those are stars. Good. Now, what is this? What is this? I am using this. It means it is near to me. Okay, and singular thing. So, tell me what is this? Good. This is a rat. This is a rat. This is a rat. Now look at this sign. This sign shows that sun is far from us. ये sign क्या बता रहा है कि sun जो है वो हमसे दूर है and is singular. So what is that? What is that? So answer will be, क्या होगा answer? Tell me. Good. That is the sun. That is the sun. Why we are using the? Because the sun is a universal thing, a special thing. Okay, and only one thing in the universe. ठीक है, that's why that is the sun. Full stop. Now, what are those? Look at this sign. This sign shows that something is far from us and the things are plural. One से ज्यादा है और हमसे दूर है. So we are using those. So what we will write? Those are butterfly. B-U-T-T-E-R, butterflies, F-L-I-E-S, those are butterflies. Okay, so I hope you will understand where you will use this and that and these and those. With singular things, we will use this
and that. The singular thing that is near to us, we will use this. And the singular thing that is far from us, we will use that. And the plural thing that are near to us, we will use these. Okay. And the plural thing that are far from us, we will use those for that. Okay. I hope you will understand what is the concept of these, that, these, those. Okay, students. So, do this worksheet in your notebook and submit it on time and follow all the COVID-19 appropriate behavior also. Okay, students. Thank you and have a good day.